हो सकता है कि कुछ गलती हुई है ब्लॉग में, तो गाइस उसके लिए मैं माफ चाहता हूँ आप सबके लिए। पाकिस्तान और इंडिया एक ही है, बीच में नेपाल भी आ गया, नेपाल भी आ गया, पाकिस्तान इंडिया नेपाल। गाइस पिछले बार आपने देखा था USA का पवेलियन, तो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो पर नेपाल का पवेलियन, क्योंकि मेरे से काफ़ी ऑडियंस जुड़ी हुई है नेपाल की, तो उनके लिए एक स्पेशल वीडियो तो बनता है गाइस, तो इसलिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और आप देख पा रहे हो ये पीछे, आप देख सकते हो ये नेपाल का पवेलियन, तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद आपको वन बाय वन करके दिखाएंगे कि किसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए गाइस डायरेक्ट अभी अंदर चलते हैं और मारते हैं अंदर एंट्री। तो गाइस आप देख पाते हो यहाँ पे नेपाल और ये इसका मेन गेट, डायरेक्ट मारते हैं अंदर एंट्री। बड़ा हैवी खुला यार, ताकत खत्म हो गई। एंट्री में आपको देखने को मिल जाती है ये कुछ मूर्ति, आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो कुमारी द लिविंग गॉड। तो गाइस ये अगर आप नेपाल से देख रहे हो तो आपको तो आयोग मालूम होगा, एक नंबर पे और दो नंबर पे आपको मिल जाता है ये, आप देख पा रहे हो मिनी बेल। तो ऑलरेडी यार मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि और दूसरी मिलती है इसमें ये मूर्ति, आप यहाँ पे देख पा सकते देख सकते हो। तो यहाँ इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो मैं आप ज़्यादा नहीं बोल सकता कहीं कुछ, क्योंकि गाइस मसला आता है मूर्ति का, कहीं कुछ गलत अल्फाज निकल जाए तो लोग लेने ही देने पड़ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा दिखाओ कम बात करो। और इसके साथ अभी हम बढ़ते आगे की ओर, तो आगे आपको मिल जाता है फेमस चीज़ है नेपाल की, तो मंदिर ऑलरेडी आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस टाइप की सीनरी, मतलब ये बना के यहाँ पे रखा गया है, तो अभी बहुत मस्त सीन आपको मिल जाता है। और इसके साथ हम बात करें इसकी, तो गाइस ये कुछ यहाँ पे, तो इसके साथ अभी हम बात करते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसके साथ हम बात करते हैं ये होती है अगरबत्ती के लिए, कुछ जलाने के लिए, धुएं के लिए, और इसको इसके साथ बोलते दिमाग से निकल गया यार, शायद कमेंट में बताना यार आप तो भाई आपको सपोर्ट करना है इस वीडियो पर और इससे कमेंट करनी है, और जो जो नाम है ना आप प्लीज यहाँ पे लिखना, क्योंकि आपके नेपाल की बात है गाइस, मैं तो दिखा रहा हूँ मैं इंडिया से हूँ। तो और यहाँ पे कुछ सीन रखा हुआ है, उसमें मोर बना हुआ है और यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, मतलब नाम पे कुछ समझ नहीं आ रहा आपने, और मतलब इस चीज का कोई हिस्सा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ देख सकते हो ये कुछ मोर है, मतलब मोर का बना हुआ है, लेकिन ये भी यहाँ पे देख पा रहे हो, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है कुछ, मतलब नेपाल की फेमस चीज होगी। और ये होती है करेंसी और पोस्टल स्टैम्प्स नेपाल के कुछ ऐसे होते हैं, और काफ़ी अच्छी है करंसी, आप यहाँ पे देख सकते हो, बैक कैमरा से दिखा सकते हैं कैमरामैन आपको, तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो गाइस ये है मटका तांबे का, तो देख सकते हो देखने में लग रहा है इसका भी कुछ काम होगा गाइस, यहाँ पे रखा हुआ है, पानी साफ रहता है इसमें, पानी साफ रहता है ऐसा है, बीमारी नहीं लगती। अच्छा जी चलो आप बेहतर जानो। और यहाँ पे कुछ ये मूर्ति वगैरह क्या मतलब रखी हुई है, क्या बोलते हैं, बुद्धा की मूर्ति। ओ वाह आपको मालूम है यार मुझसे ज़्यादा, अब नेपाल से हो ना। ये कुछ खिड़की सी दी हुई है, ये खुल जाती है, इसको ओपन करते हैं, बट मतलब ये कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ सीन यहाँ पे दिए हुए हैं नेपाल के, तो गाइस रियल में नेपाल की ये सीनरी यहाँ पे मतलब फोटो वगैरह लगाई हुई है, ये देखो पहाड़ और नीचे ये नेपाल बसा हुआ है, तो काफ़ी ऊंची छोटी है, मतलब सुना है मैंने कभी गया नहीं, बट कोशिश रही जाने की। और नेपाल के कुछ मतलब जो पुराने बुजुर्ग आदमी थे वो कुछ इस टाइप का उनका पहनावा रहना सहना होता था। और हम बात करें ज़्यादा आगे बढ़ने की, तो यहाँ पे कुछ ये रखा हुआ है हिमालय पिंक शर्ट, तो नमक है इस टाइप पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो नीचे कुछ ये बॉक्स वगैरह रखे हैं। और हम बताइए नीचे ये घोटना है, जैसे आप घोटे आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम बात करें नेपाली टोपी की, तो नेपाली टोपी हम पहन सकते हैं, बट अच्छा है अभी ये ऐसा फ्री सर्विस है पहन के फोटो खींचा, तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ मतलब अच्छी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ।
जैसे मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था तो ये इनका टिकटॉक है अकाउंट तो माय बिल्ली के नाम से है, मैं अलग दिनों से इनको फॉलो करता हूँ, आज ऑलरेडी मैंने आपके सामने मिल गई, तो प्लीज आप कुछ बोलिए नेपाल के बारे में। नमस्ते, सर्वप्रथम नेपाल को पॉपुलेशन में आऊँ गए को मैं धीरे धीरे धन्यवाद आउदिनुस हेर्दिनुस माया गर्दिनुस नेपाल लाई, थैंक यू गाइस। ये माय बिल्ली के नाम से इनका अकाउंट है तो ऑलरेडी मैं डाल दूंगा, आप इनके चैनल पर विजिट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगा लेकिन भाई पाकिस्तान से इनके मिलके कुछ बोलोगे आप? मैं भाई जान पाकिस्तान से हूँ, इंशाल्लाह आप भी पाकिस्तान पवेलियन का विजिट करें, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा बना हुआ है, एक बार जरूर मस्त विजिट करें पाकिस्तान। हमने वीडियो बना लिया आपने? जी जी ओके, पाकिस्तान की मोहर लग रही है, हम लोग मॉल में लगाते आते थे, जाते हैं मॉल लगाते हैं, भाई जा रहे हैं हमें यहाँ पे नेपाल पवेलियन में मिले हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे इलाके से प्यार से हमें मिले हैं, थैंक यू सो मच, पाकिस्तान और इंडिया एक ही है, बीच में नेपाल भी आ गया, नेपाल भी आ गया, पाकिस्तान इंडिया नेपाल, ओके गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय। काफ़ी डिज़ाइन और दूसरी बात करें हम गानों की, अगर आपका दिमाग काम नहीं करता ना तो यहाँ पे आके बैठने का है और ऐसे निकालने का है और ऐसे कान में लगाने का है, ऐसे मज़े लेने का है, ठीक है चलिए अभी। तो बस गाइस ये पवेलियन था स्पेशल आपने देखा नेपाल का, तो आज आपको ये पवेलियन अच्छा लगा होगा और गाइस हो सकता है कि कुछ गलती हुई है ब्लॉग में, तो गाइस उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबके लिए, तो बाकी तो आप बताएं कमेंट करके कि आपको इसमें कौन सी चीज़ बेहतर लगी और क्या क्या फासला मिला आपको नेपाल में पाकिस्तान से और इंडिया से अलग, ठीक है ना गाइस। बाकी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा घूम फिर के, क्योंकि अपना काम होता है गाइस वीडियो बनाना, आप सबको वन बाय वन करके दिखाना, तो आज मैंने आप सबको दिखा भी दिया है, ठीक है। बाकी मैं कहना चाहूँगा आपको वीडियो के एंड में बस वीडियो को अच्छी लगी हो तो फिर ही मैं एक प्यार सा लाइक कर देना और ऐसी दिखेगी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पवेलियन के साथ, ओके बाय बाय, थैंक यू, लव यू।